हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आप जो अपनी पेटीएम एप्लीकेशन है उसके अंदर कस्टमर केयर के नंबर को किस प्रकार से निकाल सकते हैं। आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, क्या होता था कि पहले हम जो है बहुत ही आसानी से पेटीएम का जो कस्टमर केयर है उसके नंबर को निकाल सकते थे गाइस, लेकिन अब क्या हुआ है, पेटीएम ने बहुत सारे अपडेट जारी कर दिए हैं, तो उसके अंदर जो पहले ऑप्शन आता था वो अभी नहीं शो हो रहा है गाइस। तो पहले हम क्या करते थे कि पहले जैसे हम अपने 3 डॉट पर जाते थे और यहाँ पे 24x7 हेल्प एंड सपोर्ट पर क्लिक करते थे तो यहाँ पर हमें कस्टमर केयर के नंबर शो हो जाते थे, लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है क्योंकि पेटीएम ने अपडेट जारी कर दिया है गाइस। तो गाइस, डरने की वाली कोई बात नहीं है, उन्होंने वहाँ से अपडेट हटाकर अलग डिफरेंट जगह पर रख दिया है गाइस। तो आपको कुछ नहीं करना है, नीचे नीचे की ओर स्लाइड करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 24x7 हेल्प एंड सपोर्ट इस वाले ऑप्शन पर। जी हाँ गाइस, ये वही है, लेकिन यहाँ से हम इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ अलग ही सेटिंग ओपन होगी। तो आपको 24x7 हेल्प एंड सपोर्ट पर क्लिक कर देना है गाइस। जैसे ही आप 24x7 हेल्प एंड सपोर्ट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, या नीचे की ओर स्लाइड करना है और आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट 24x7 हेल्प, इसी पर आपको क्लिक कर देना है गाइस। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ गाइस। आप देख सकते हैं हमारे सामने जो पेटीएम के सभी कस्टमर केयर हैं उनके नंबर हमारे सामने शो हो रहे हैं गाइस। तो आप देख सकते हैं ये फर्स्ट वाले बैंक वॉलेट एंड पेमेंट्स, मतलब आपको बैंक में या वॉलेट पेटीएम वॉलेट में और पेमेंट्स में कुछ दिक्कत आ रही है तो आप ऊपर वाले नंबर पर क्लिक करके उनसे बात कर सकते हैं। और ये ट्रेवल एंड हॉस्टल, मतलब गाइस जितने भी पेटीएम के कस्टमर केयर है आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।